नमस्कार दोस्तों, तो अगर आप भी अपने मोबाइल से प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको काइन मास्टर का फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूं, जिससे आप अपनी वीडियो को बेसिक से लेकर एडवांस तक एडिट कर पाओगे, जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे अनलिमिटेड नो कॉपीराइट वीडियोस एंड फोटोज़, साउंड इफेक्ट्स, ट्रांजेक्शन, और साथ ही में आप अपनी ऑडियो से नॉइस को भी रिमूव कर सकते हो। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे, तो बस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। काइन मास्टर को ओपन करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इससे पहले जो भी परमिशंस आपसे मांगता है तो उनको आपको अलाउ कर देना है, और फिर आप जैसे ही यहाँ से क्रिएट न्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा एक्सपेक्ट रेसो वाला। तो अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हो तो आपको 16:9 वाला ये वाला आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप इंस्टाग्राम के लिए शॉर्ट्स एडिट कर रहे हो तो आपको इसको 9:16 वाला सिलेक्ट करना है। तो इन दोनों को ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो इन्हीं में से मैं ये यूट्यूब वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं क्रिएट पर क्लिक कर लेता हूँ, और फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। आपके मोबाइल में जितने भी फोल्डर्स हैं वो ओपन होकर आ जाते हैं, तो यहाँ से आप कोई सा भी फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हो, कोई सी भी वीडियो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और वापस से मैं मीडिया पर क्लिक करता हूँ। अगर आपको कोई प्लेन बैकग्राउंड चाहिए तो यहाँ आपको इमेज एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप कोई सा भी वाइट, रेड, येलो, कोई सा भी आपको बैकग्राउंड चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और साथ ही में आपको मिलेगा यहाँ पर एक बढ़िया सा फीचर इस वाले काइन मास्टर में, आपको यहाँ पर पिक्सल्स और पिक्साबे की दो वेबसाइट्स मिल जाएगी, जिन्होंने कि काइन मास्टर के साथ कोलेबरेशन किया है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी फुटेज मिलने वाली है नो कॉपीराइट। ये देख सकते हो, यहाँ पर मैं इधर की साइड इमेज पर क्लिक करता हूँ तो नो कॉपीराइट इमेज मिल जाएगी, आपको काफ़ी सारी इमेज मिल जाएगी, और जो आपको चाहिए यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो। और यहाँ से मेन वीडियो आता है हमारा पार्ट, ये वीडियो वाला। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी नो कॉपीराइट वीडियोस भी मिल जाएगी, जैसे कि मुझे एडिटिंग वाली चाहिए तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एडिटिंग, और यहाँ से मैं सर्च पर क्लिक कर लेता हूँ। तो देख सकते हो इसने एडिटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी नो कॉपीराइट वीडियोस मुझे दे दी है। तो जैसे कि मैं एक ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये थोड़ी सी लोड होगी, ये हो जाएगी एड। और अब मैं जैसे कि ये वाली एक और सिलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ इस टाइप से मैंने सिलेक्ट कर ली। कुछ इस तरीके से आप अपनी वीडियोस को सिलेक्ट कर सकते हो, नो कॉपीराइट वीडियोस को। और अब मैं आ जाता हूँ यहाँ से बैक, और अब आ जाते हैं हम इस सेकंड वाले में। लेयर पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आगे आ जाएंगे, तो आप यहाँ से मीडिया पर क्लिक करना है, और यहाँ से जैसे कि मैं कोई सा भी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो जैसे मैंने ये वाली फ़ोटो सिलेक्ट कर ली, तो अब ये फ़ोटो आपकी वीडियो के ऊपर आपकी फ़ोटो आ जाएगी। और जैसे कि ये वाली वीडियो मैंने कुछ इस टाइप से फ़ोटो सिलेक्ट कर ली, अब आपको सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा कुछ इस टाइप्स का। अब आप इस फोटो में भी एनिमेशन लगा सकते हो, तो इस पर क्लिक करना है, जैसे कि मैंने ये पॉपअप वाला लगा दिया, तो आपकी फ़ोटो कुछ इस टाइप से ओपन होके आएगी। फिर यहाँ से मैं वापस बैक चलता हूँ, और ऐसे ही आपका आउट वाला सीन भी है, जैसे आपको जैसे फ़ोटो को वापस एंड करना है कुछ इस टाइप से। मैंने फेड वाला सिलेक्ट किया, फ़ोटो को आप क्रॉप भी कर सकते हो और फिल्टर भी लगा सकते हो, और कोई सा भी इफ़ेक्ट भी इस पर अप्लाई कर सकते हो। और अब आ जाते हैं हम यहाँ से बैक, और अब आते हैं वापस से लेयर पर, और वापस यहाँ पर आपको मिल जाता है एक इफ़ेक्ट का, तो यहाँ पर क्लिक करके आप कोई सा भी आप इफ़ेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और वापस से इसमें टेक्स्ट का भी है सिस्टम, तो यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करो और आप कोई सा भी टेक्स्ट लिख सकते हो। तो जैसे मैं लिख देता हूँ फ़ोटो एडिटिंग, ये मैंने लिख दिया, तो कुछ इस टाइप से ओके करना है। और टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा फॉन्ट ऐड करने के बाद सिस्टम भी आ जाता है, तो आप यहां से कोई सा भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट किया और यहां से इसको डन कर लिया, तो इसको हमें रखना है कुछ ऐसे यहां पर। तो फॉन्ट का भी आप एनिमेशन चेंज कर सकते हो, पॉपअप में रखना है, कैसा रखना है, काफ़ी सारे फीचर्स हैं, बस मैं आपको तो मोटा मोटा दिखा रहा हूँ। और यहाँ से आप इसका शैडो भी सेट कर सकते हो, आउटलाइन सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने ये आउटलाइन ऑन की, तो ये कुछ इस टाइप से आउटलाइन आ जाएगी। तो कुछ इस टाइप से आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे बैकग्राउंड ऐड करना है तो इसको ऑन करना है, आपका बैकग्राउंड भी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे भी आप कलर चाहो, ये वाला कलर चाहिए डार्क में चाहिए या फिर PNG में चाहिए, कैसा चाहिए, तो ऐसा डार्क में चाहिए, तो यहाँ से इसको डन कर लेना है। तो देख सकते हो ऐसे आपके सामने ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये रही इस वाले ऑप्शंस की बात, अब आते हैं हम यहाँ से रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपना ऑडियो भी यहीं से
रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब वॉइस ओवर कर सकते हो, मतलब नॉर्मल वीडियो पर। और फिर आते हैं हम यहाँ से इस म्यूज़िक वाले सिस्टम में, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये तो आ जाते हैं नो कॉपीराइट म्यूज़िक, मतलब काइन मास्टर के म्यूज़िक हैं जो काफ़ी सारे आपको मिलेंगे यहाँ पर। और फिर आ जाते हैं यहाँ से शॉर्ट म्यूज़िक, ये भी काइन मास्टर के ही हैं, काफ़ी सारे हैं, जो अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो। और ये है साउंड इफ़ेक्ट, मतलब पॉपअप वाला, ये देख सकते हो लाफ वाला, हंसने वाला। एक बार मैं प्ले करता हूँ, ये देख सकते हो काफ़ी सारे आपको मिलेंगे, मतलब फनी वीडियो एडिट करने के लिए आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप सॉन्ग पर क्लिक करने के बाद अपनी गैलरी में जितने भी म्यूज़िक है उतने आपके आप सामने खुल के आ जाएंगे, तो आप इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अब आ जाते हैं हम यहाँ से ट्रांजेक्शन ऐड करने वाले सिस्टम में। तो जैसे कि हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन ऐड करना है, तो इस पर क्लिक करना है और ये काफ़ी सारे आपके सामने ट्रांजेक्शन ओपन होके आ जाएंगे। तो देख सकते हो मैंने काफ़ी सारे डाउनलोड कर रखे हैं, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और इसमें भी काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन हैं, मतलब 4 ट्रांजेक्शन आ गए कुछ इस टाइप से, ये वाला सिस्टम आ चुका है। और अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता तो जैसे कि नीचे आओगे यहाँ पर गेट मोर का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर काफ़ी सारे आपके सामने आ जाएंगे, तो आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं एग्ज़ाम्पल के लिए कोई सा भी एक डाउनलोड कर लेता हूँ, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक डाउनलोड का, तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और डाउनलोड भी हो चुका है। और अब यहाँ से बैक आओगे तो वो वाला फ़िल्टर ये यहाँ पर आ चुका है, ये वाला आ चुका है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। और वीडियो को कट कैसे करना है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अगर ये आगे का पार्ट मतलब एक्स्ट्रा है, इसको आपको कट करना है, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ट्रिम और स्प्लिट का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर क्लिक करना है। अगर आगे का कट करना है तो ट्रिम लेफ्ट पर इस पर क्लिक करना है, तो ये आगे का कट हो चुका है। और जैसे कि यहाँ से मुझे पीछे का कट करना है, तो इस पर क्लिक करना है, ट्रिम पर क्लिक करना है और यहाँ से बैक का आपको ये राइट वाला सिलेक्ट कर लेना, तो ये पीछे का आपके सामने कट होके आ जाएगा। जैसे कि मैंने इस वाली वीडियो को मैंने सिलेक्ट किया और इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप अपनी आवाज़ को म्यूट कुछ इस टाइप से कर सकते हो, 0 कर दिया तो आपकी आवाज़ म्यूट हो जाएगी, और अगर आपकी आवाज़ थोड़ी सी धीमी आ रही है तो आपको इसको 200 कर देना है, तो आपकी आवाज़ थोड़ी सी लाउड हो जाएगी। और यहाँ से मैं आ जाऊँ वापस से बैक और अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और कलर ग्रेड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडजस्टमेंट का, तो यहाँ से आप अपनी वीडियो को कलर ग्रेड कर सकते हो। यहाँ से ब्राइटनेस को इंक्रीज़ और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़, सेचुरेशन थोड़ी सी आप ऐड, अपने हिसाब से आप वीडियो के हिसाब से कलर ग्रेड कर सकते हो। और इसमें साथ ही में आपको और भी काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपनी वीडियो को कुछ इस टाइप से रोटेट भी कर सकते हो। और साथ ही में इसमें और भी ऑप्शन मिलते हैं, आप मतलब जूम भी कर सकते हो फ़ोटो को, मतलब कुछ इस टाइप से जूम भी कर सकते हो। और अब मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाऊं, तो कुछ इस टाइप से जूमिंग होगी और वापस से बैक वाली वीडियो आपकी चली जाएगी। और अगेन इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप अपनी वीडियो की स्पीड को भी इंक्रीज़ कर सकते हो, उससे आपकी वीडियो फास्ट फास्ट चलेगी। और साथ ही में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि आप इसमें नॉइज़ को भी रिमूव कर सकते हो अपनी ऑडियो से, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से ऑडियो पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मैंने जैसे इस वाली ऑडियो को सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद ऑडियो को आपको सिलेक्ट करके रखना, फिर आपको यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा नॉइज़ रिमूवर का, तो इसको आप जैसे ही ऑन करोगे तो यहाँ से गेट प्लस इन पर क्लिक करना है और इस वाले पैक को आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा डाउनलोड होने का वेट कर लेता हूँ, तो ये डाउनलोड हो चुका है। अब हमें आना है यहाँ से बैक, और अब यहाँ से बैक आना है, अब आपको नॉइज़ रिमूवर को ऑन करना है, तो अब ये आपकी ऑडियो से नॉइज़ को रिमूव कर देगा, तो ये होना स्टार्ट हो चुका है, तो आपको इसको कंप्लीट होने देना है, आपकी ऑडियो एकदम नॉइज़ रिमूव हो जाएगी। तो कुछ ये था हमारा ट्यूटोरियल, इसमें और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। तो जब आपकी वीडियो की पूरी एडिटिंग कंप्लीट हो जाए तब सेव करने के लिए आपको यहाँ से सेव वाले एरो पर क्लिक करना है इधर, और फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको फ्रेम रेट को आपको रखना है कुछ इस टाइप से 30, और इसकी क्वालिटी को आपको 1080p पे रख के सेव करना है। अगर आपका फ़ोन ज़्यादा रैम वाला है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है आपके मोबाइल में, तो आप फ्रेम रेट को आप 60 भी रख सकते हो, तो मैं कुछ इस टाइप से 30 रखूँगा,
और फिर आपको सेव एज वीडियो पर क्लिक कर देना है, तो आपकी वीडियो सेव।